नमस्कार दोस्तों, माही का चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र, आप लोग का एक ऐसे भूत प्रेत निवारण भिषा यंत्र बताने जा रहा हूं, जिसके प्रयोग से आप भूत प्रेत से ग्रस्त हैं तो इसका प्रयोग करने से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों इस यंत्र का प्रयोग करने से भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भूत और भूत प्रेत से बाधा से मुक्त पाना चाहता है, भय लगता है, कहीं जा रहे हैं भूत प्रेत से भय भी लगता है, चिल्लाते हैं भूत से बहुत डरते हैं, तो इस यंत्र को प्रयोग अवश्य करें। जिन व्यक्तियों को भूत बार बार सताते रहता है, कर देता है, उस पर आ जाता है, तो इस यंत्र का प्रयोग करने से आप उस पर भूत प्रेत बाधाओं से मुक्त पा सकते हैं। तो दोस्तों इस यंत्र को अवश्य प्रयोग करें और मैं इस यंत्र को बारे में मैं विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं, जिससे इस यंत्र को प्रयोग करके आप प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर बाद में फिर कमेंट करने लग जाते हैं कि ठीक न हुआ तो ये हुआ, तो सही तरीका से आप लिखते नहीं हैं तो कैसे ठीक होगा। आप पूरा वीडियो देख भी नहीं करते हैं, आप कमेंट करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से आप मैं बताने जा रहा हूं, तो इसका प्रयोग से आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस यंत्र को अनार के कलम से केसर और भोजपत्र पर अनार के कलम द्वारा लिख के आने से भूत प्रेत संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिलती है और साथ में का भय तथा शत्रु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस यंत्र बहुत चमत्कारी यंत्र है, ये भिषा यंत्र है। तो भिषा यंत्र जान में करते हैं, बहुत चमत्कारी यंत्र होता है। तो इसके प्रयोग से आप भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं तो इस यंत्र को प्रयोग करके आप भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों इसको किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस यंत्र को लिख लेना है, लिख कर आप चांदी में किसी यंत्र धारण करके आप इसको यूज कर सकते हैं, या चांदी में धारण कर सकते हैं या तांबा में। इस यंत्र को प्रयोग करने से सभी तरह से बाधा से छुटकारा मिल जाती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि सभी तरह से भूत प्रेत से ग्रस्त हैं वे छुटकारा पा सकें। धन्यवाद।